ये होता है डॉग का ह्यूमेरस, पहली पॉइंट जो होता है इसका जो लेंथ होता है ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा लंबा स्ट्रॉन्गर होता है बाकी कोई भी एनिमल से। ऑक्सीपस में भी ऑक्सीपस में जो होता है स्पाइरल काम होगा, ट्विस्टेड काम होगा, ट्विस्टेड काम होगा, लेस ट्विस्टेड। एंड जो हेड होता है लार्ज होता है एंड कॉन्वेक्स होता है, ये मोर कॉन्वेक्स होता है इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स। इसमें जो मस्कुलर स्पाइरल ग्रूव रहता है, ये मस्कुलर स्पाइरल जो ग्रूव रहता है ये एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, नॉट प्रोमिनेंट, मतलब एकदम प्लेन है, कोई मस्कुलर ग्रूव नहीं है, तो नॉट प्रोमिनेंट है इसमें। और जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी रहता है, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ये रीज के फर में रहता है, रीज के फर में, लेकिन ये रीज के फर में रहता है। बाकी ऑक्स और हॉर्स के किस्म में प्रोमिनेंट रहता है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ये होता है ट्रॉकलिया, डिस्टल एंड पे ट्रॉकलिया, ट्रॉकलिया के ऊपर अबव द ट्रॉकलिया एक फोरामेन रहता है जिसको बोला जाता है सुप्रा ट्रॉकलियर फोरामेन। ये होता है सुप्रा ट्रॉकलियर, सुप्रा ट्रॉकलियर फोरामेन, ये फोरामेन जो एंटीरियरली रेडियल फोसा एंड पोस्टीरियरली इलेक्ट्रॉन फोसा को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, ठीक। अरे ये हमारा ट्यूबरोसिटी कुछ बात नहीं है, ट्यूबरोसिटी का नहीं है जो, और इसमें जो न्यूट्रन फोरामेन होता है ये पोस्टीरियर, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पोस्टीरियर, नॉर्मली जो पोस्टीरियर साइड पे रहता है डॉग के जैसे पोस्टीरियर साइड पे रहता है।